भारत अमेरिका की मदद से आतंकी मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA ने अमेरिका से मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के खातों की जानकारी साझा करते हुए उन्हें सीज करने की मदद मांगी है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने आतंकी मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ऐसे खातों का पता लगाया है जिनका कनेक्शन विदेशी बैंकों से है। जांच एजेंसी ने ऐसे 3 बैंक अकाउंट्स की मनी ट्रेल का पता लगाकर अमेरिका से इन खातों को सीज करने में मदद मांगी है। ऐसा माना जा रहा है कि इन खातों में चंदे के जरिए पैसा जमा कराया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता है। अब सुस्त सरकारी अफसरों की खैर नहीं, मोदी सरकार ने राजस्व विभाग के काम टालने वाले 33 अफसरों को वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने का आदेश दे दिया है। सुस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि काम करो वरना घर बैठो। सुस्त कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने राजस्व विभाग के 33 सीनियर अफसरों को रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया है। केंद्र सरकार ने पाया है कि ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम साबित हुए, लिहाजा उन्हें वक्त से पहले ही रिटायर कर दिया गया। कंगना ऋतिक विवाद में घिरे अर्जुन सुमन के बचाव में उतरे पिता शेखर सुमन ने माना कि कंगना रनौत टोना टोटका करती थी, हालांकि शेखर सुमन ने काला जादू से इनकार किया है। एक्टर शेखर सुमन कंगना ऋतिक विवाद में घिरे अपने बेटे अध्ययन सुमन का बचाव करते दिख रहे हैं। शेखर सुमन ने कंगना रनौत पर आरोप लगाया है कि वो उनके बेटे अध्ययन सुमन के साथ मारपीट करती थी, साथ ही उन्होंने कंगना पर टोना टोटका करने का भी आरोप लगाया है। मर्द क्यों आके कहेगा कि वो औरत से पिटता था, आप बताइए क्यों कहेगा? क्या वजह है कि वो अपने पूरे इमेज को स्टेक पर लगा देगा ये कहने के लिए? उसमें बहुत सारी सच्चाई है। UAE से इंडोनेशिया जा रही इतिहाद एयरवेज की एक फ्लाइट के तूफान की चपेट में आने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट के अंदर मची अफरा तफरी का वीडियो एक पैसेंजर ने बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इतिहाद एयरवेज की ये फ्लाइट अबू धाबी से जकार्ता की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में खराब मौसम की वजह से प्लेन बुरी तरह से झटके खाने लगा। झटके खा रहा प्लेन क्रैश ना हो जाए, इसीलिए सभी पैसेंजर्स के चेहरे पर खौफ भी साफ नजर आ रहा था। प्लेन में चीख पुकार मच गई, पैसेंजर्स हाथ उठाकर भगवान को याद करने लगे। इसी दौरान एक यात्री ने अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट किया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पायलट अपनी सूझबूझ से प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब रहा।